नमस्कार सत्या मरहबा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना दोस्तों आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दारू खाना। अभी दारू खाना यार, दारू खाना सुन के ना मेरे माइंड में भी कई सारे सवाल आए थे पहली बार कि यार ये दारू खाना कैसी जगह है। तो फिर मैं काफ़ी मतलब रिसर्च किया इस जगह के बारे में, तो मुझे पता चला भैया कि ये दारू खाना जगह का नाम है। कोई वहाँ पे मतलब रिसर्च की है कि भैया देखो हम यूपी वाले लोग हैं, तो दारू खाना का मतलब ये होता है कि जहाँ पे बहुत सारी दारू की दुकानें हों उस एरिया को हम दारू खाना कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये इससे बिल्कुल विपरीत है, ये दारू खाना जो दारू खाना दोस्तों हम आपको दिखाने ले जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों अभी मुंबई के रे रोड स्टेशन से अभी उतरा हूँ दोस्तों। अभी इस तरह से इधर की रोडों पे चला जा रहा हूँ। बाकी बरसात ने दोस्तों देख सकते हैं रोडों की क्या हालत कर रखी है। चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ आपको पानी यहाँ दिखाई देंगी और रिमझिम कंटिन्यू करते ही रहते हैं पूरा दिन। और रात को तो भाई इतना खतरनाक वाली बारिश हो रही थी ना, पूछो मत। तो थोड़ा बहुत दोस्तों मैं पूछता हूँ कि किधर है ये दारू खाना। और यहीं पे दोस्तों एक बहुत ही फेमस दरगाह है, मीरा दतार की दरगाह। अब हो सकता है दोस्तों अगर मौका मिलता है तो मैं वो भी एक्सप्लोर करूँगा। सो कोशिश करूँगा इसी वीडियो में वो सारी चीज़ें कर दूँ। अगर वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मैं मीरा दतार दरगाह के बारे में आपको दूंगा। तो फाइनली दोस्तों अभी हम दारू खाना में इंटर हो चुके हैं। यहाँ का बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। ये अभी कुछ आगे से भैया ने बताया कि रास्ता वगैरह है, इधर से सीधा आप पकड़ के निकल जाएंगे आगे की तरफ। आपको दारू खाना भी एक्सप्लोर कर जाएंगे और मीरा दतार दरगाह भी एक्सप्लोर कर जाएंगे। भाई यार भाई यार पूरा खतरनाक वाला पानी भरा हुआ है यार इधर। तू चलो फिलहाल दोस्तों अभी इस सीढ़ी से जाना पड़ेगा, छोटी सी ट्रैक है। ट्रैक तो फाइनली दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ इधर रोडों पे। यार इधर मुझे सारा लोहे का सब कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे हो सकता है दोस्तों इधर लोहे का भी कारोबार वगैरह ज़्यादा होता है। तो फिलहाल जनाब जैसा कि हम दारू खाना एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, मुझे यहाँ एक दुकान पे एक बेहद बेहतरीन सी कोट्स दिखती है जो कि आप सामने की तरफ देख रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा दोस्तों, जिंदगी में हम कुछ उधार नहीं लेते, कफन भी लेते हैं जिंदगी देकर। तो मतलब इतनी बेहतरीन कोट लिखा है और उसके नीचे जो लिखा है नो ईगो नो प्रॉब्लम। और ये बात कहीं ना कहीं दोस्तों सत्य भी है भाई, अगर ज़्यादा ईगो नहीं रखोगे ना तो आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। तो मतलब दोस्तों इस कोट्स में मुझे देखने के बाद ना वाकई काफ़ी अच्छा लगा। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई ये कोट्स आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर कर दिया जाए। तो बाकी दोस्तों ये आपको कोट्स कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल दोस्तों ये देख सकते हैं कुछ है आपका दारू खाना का एरिया। ये जगह का नाम दोस्तों दारू खाना के नाम से जाना जाता है ये पूरा एरिया। और फिलहाल दोस्तों मैं अभी आपको ये एरिया एक्सप्लोर करा रहा हूँ और अभी मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ आगे की तरफ। तो फिलहाल दोस्तों कुछ इस तरह से दारू खाना का एरिया है। अभी हम चल रहे हैं समुंदर के किनारे की तरफ। और वैसे दोस्तों जो ये स्पेशली ये जगह फेमस है ना, यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों सिप पार्किंग होती है। हाँ आपने सही सुना, यहाँ पे जहाज़ों की पार्किंग होती है पानी वाले। तो फिलहाल दोस्तों देख सकते हैं पूरा दारू खाना का एरिया। और अभी दोस्तों मैं कुछ देर पहले एक बंदे से ऐसे ही पूछ बैठा भाई कि इसका नाम दारू खाना क्यों पड़ा। तो मुझे भी थोड़ा सा नाम सुन के दोस्तों अजीब सा फील हो रहा था यार कि ये दारू खाना है मतलब भाई क्यों नाम पड़ा। तो उस बंदे ने मुझे बताया कि करीबन कुछ टाइम पहले की बात है यहाँ पे दारू का बिजनेस वगैरह होता था, ये अंग्रेज़ों के टाइम का बात है। वो कुछ इस तरह से बता रहा था, कहा लेकिन अभी के टाइम पे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे अभी दोस्तों ना सिप पार्किंग वगैरह ज़्यादातर होती है और यहाँ पर बड़े बड़े दोस्तों आप देख रहे हैं ना सिप की वो है कंपनी वगैरह।
बाकी दोस्तों ये देख सकते हैं प्लास्टिक का छोटा छोटा सा हट है, मतलब एक एक आदमी की सोने की जगह होगी इसके अंदर, और इसके अंदर लोग रहते भी हैं। अभी मैं दोस्तों देखा था कुछ लोगों को इसके अंदर घुसते हुए, नहीं कहते दोस्तों जिस तरह से हम कभी जाते हैं बाहर कैंपिंग वगैरह करते हैं, तो कुछ इस तरह के यहाँ पे मतलब साइड में लोगों ने घर भी बना रखा था। बाकी इधर के साइड में देख रहे हैं दोस्तों पूरा किनारे किनारे से समुंदर के किनारे की तरफ से झुग्गियाँ भी दोस्तों कुछ इस तरह का एरिया है जो मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे भी घूम रहा हूँ। ये सारा यहाँ पे घर वगैरह देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से बनी हुई हैं। अभी और चलता हूँ दोस्तों अंदर की तरफ में, जहाँ पे आपका सिर्फ पार्किंग वगैरह होता है वो एरिया को भी थोड़ा हम एक्सप्लोर करते हैं, वो जगह भी दोस्तों हम फिलहाल आपको दिखाते हैं। तो करीबन दोस्तों अभी लेकिन ये है यार ना, बारिश रुकी नहीं रहा यार, कंटिन्यू बारिश हो जा रहा है। तो कभी कभी दोस्तों ना बारिश से ना परेशान हो जाते हैं यार। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर इस तरह के माहौल तो खैर बरसात में रहने ही वाले हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर इस तरह के पूरे घर वगैरह हैं जो कि दारू खाने के एरिया के हैं। तो मतलब इस एरिया का नाम क्या है अंकल? एरिया का नाम है तुअर के घास बंदर है। घास बंदर दारू खाना, घास बंदर दारू खाना। हाँ। अच्छा इस पूरे एरिया का नाम है। हाँ। ये पूरा समुंदर का ही है ना ये सारा एरिया? समुंदर है सामने। अच्छा अच्छा वो समुंदर है ना। हाँ। और ये इसी से कनेक्टेड है ये सारा? सामने अच्छा पूरा पानी फाड़ जाता है। अच्छा निकल जाता है अभी आ रहा है, वही काम था। अच्छा है। अरे भाई मैं भी यहाँ आया तो मैं इसे घूमने आया था इधर का एरिया, तो मुझे ये दिखा जहाज वगैरह, मैं कहा ये साजा क्या नमूना है, कितने साल से पड़ा था ये जहाज, ये वजह क्या, ये तो खराबी हो गया मुझे जगह पूरा कटिंग करने पर कर लो, कट कट करेगा क्या, कट करके इसको निकालेगा वो जो, और फिर उसको किस तरह से यूज करेगा, भंगार में डाल देगा। अच्छा। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे हैं यहाँ पे बोटे, सारा मतलब भंगार कर देंगे काट काट के, जो चलेगा चलेगा चलेगा, और बाकी जो नहीं चलेगा वो भंगार में डाल लेगा। अच्छा वैसे आप कहाँ से सर, आप बंगाल से हैं क्या? हाँ आपकी थोड़ी सी टोन मिल रही थी। अच्छा अच्छा कलकत्ता से हैं। हाँ यहाँ पे आप कहाँ, यहाँ पे रहते, ये घर है आपका? अच्छा और इधर भाड़ा वगैरह कितना होगा रहने का, भाड़े पर आते या खुद का है आपका? भाड़ा पे। भाड़ा कितना है भाड़ा? 5,000 है ना भाई, बम्बई में भाड़ा ही बहुत महंगा है, क्या कहते हैं चाचा? मतलब बताइए इस एरिया में भी भाड़ा 5,000 है। और कौन सा मकान है अंकल आपका? ये वजह क्या? अच्छा ये सामने वजह। बाकी बाथरूम वगैरह का सिस्टम कहाँ पे है? उधर पीछे रहे ना। और पानी वगैरह का क्या सिस्टम रहता है? अच्छा ये कहाँ से आता है पानी? अच्छा पीछे से है। तो भाई साहब यहाँ पे रहना वाकई काफ़ी एक्सपेंसिव खैर होता है। ये पूरा शिपयार्ड है दोस्तों, जैसा कि मैं अभी दिखाने आया था, ये भैया मिल गए मुझे बताने लग गए कि भाई यहाँ पे जहाज़ें बहुत टाइम से पड़ी हैं, और पड़े पड़े ये कट कट के फिर बिक जाती है ना, लोहा वगैरह इसका बेच देते होंगे। गवर्नमेंट का ही है ये सारा? गवर्नमेंट का एरिया, गवर्नमेंट का पूरा गवर्नमेंट का एरिया है, बस इससे आप जो घर बना के रहते हैं। हाँ मतलब जब भी गवर्नमेंट चाहेगी तो खाली करा सकती है। और बाकी लाइट पानी का अच्छा व्यवस्था है ना यहाँ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस एरिया में? जैसे कि कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिलहाल दोस्तों जैसा कि अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारी सीपें हैं जो कि कटने के लिए स्पेशली यहाँ पे आई हुई हैं, और मेरे माइंड में भी काफ़ी कंफ्यूजन था यार वाकई है क्या, देख रहे भाई कितनी बड़ी बड़ी सीपें हैं, यहाँ से करीबन दोस्तों 200 मीटर दूर तक की ये सीप है, और चौड़ाई भी देखो यार कितनी बड़ी बड़ी, यार भाई वाकई यार ये क्या खतरनाक सीप है, पहली बार इस तरह से मैं देख रहा हूँ। बाकी रास्ते का हाल देखो, भाई साहब यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से शिप पार्किंग हुआ है, बाप रे ये देख रहे पूरा शिप यहाँ से वहाँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे शिपें खड़ी होती हैं। अक्सर जो आप गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ शिप वगैरह देखते हैं दोस्तों, मुझे लगता है ऐसा कि वो सारी चीज़ें दोस्तों इधर ही की एरिए में पार्क होती हैं। बाकी यार यहाँ का ना रास्ता वगैरह ना काफ़ी ख़राब है यार, और बाकी यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से मतलब काफ़ी बड़ी एरिया में दोस्तों इस तरह से शिप पार्किंग होती हैं, बड़ी बड़ी शिपें यहाँ पे पार्किंग है। मैं यार देख के थोड़ा सा हैरान भी हो रहा था, लेकिन फिलहाल दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं जो मैं फ़िलहाल दोस्तों अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। Thank you.
फिलहाल दोस्तों जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितनी ज़्यादा भाई साहब सीपें खड़ी हैं, और ये सब दोस्तों पार्किंग है। ये सारी जो सीपें देख रहे हैं ना, ये पार्किंग है। अब किस टाइम पे इसको यहाँ से निकालते हैं मुझे नहीं पता। और बाकी इधर से दोस्तों देख सकते हैं कि लोगों के घर वगैरह भी हैं इस साइड साइड में, आप देखेंगे तो इस तरह से लोगों के घर भी होते हैं दोस्तों। जस्ट ये समुंदर का ही किनारा है दोस्तों, लेकिन फ़िलहाल इसको क्या है कि एज ए पार्किंग के तरह यूज करते हैं यहाँ के लोग। बाकी मुझे लग रहा है दोस्तों यहाँ पे रिपेयरिंग वगैरह का भी काम चलता ही रहता है, उस पर बहुत सारे लोग हैं अभी। तो बाकी इधर देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से लोगों की ज़िंदगियाँ भी होती हैं। एक तरफ दोस्तों देख पा रहे होंगे पूरा समुंदर का पानी ही पानी है, और दूसरी तरफ देख रहे हैं सबके घरों के सामने डब्बे लगे हुए हैं, कितनी पानी की समस्या है। तो फिलहाल दोस्तों ये मुंबई में तो लगभग हर जगह आपको ये पानी की समस्या खैर मिल ही जाएगी। और अभी दोस्तों बरसात के टाइम में ना काफ़ी दिक्कत हो रही है मुझे वीडियोज़ बनाने में, क्योंकि भाई इधर के रास्ते इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि बिल्कुल कहीं भी चला नहीं जा रहा है। और बाकी दोस्तों मुझे यहाँ पे जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लोहे का कारोबार यहाँ पे ज़्यादा है। मतलब तो फिलहाल दोस्तों करीबन मैं अभी एक डेढ़ घंटे से दारू खाना को घूम रहा था। जैसा कि मैंने दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी सारा यहाँ का एरिया एक्सप्लोर कराया। बाकी देख सकते हैं दोस्तों उस तरह से चाचा वगैरह जो कितनी मेहनत कर ये रोडों की दोस्तों कंडीशन अभी इधर काफ़ी ख़राब है। मुझे लग रहा है कि इस वजह से यहाँ पे रोडों की कंडीशन ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हैवी आइटम्स का इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, चारों तरफ से लोहे लक्कड़ का बिजनेस होता है। इस वजह से रोडों की कंडीशन दोस्तों ख़राब हो जाती होगी। तो फिलहाल दोस्तों कुछ इस तरह के यहाँ के सीन्स थे जो कि मैंने आपको काफ़ी टाइम तक यहाँ पे दिखाने और घुमाने का प्रयास किया। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा, फिर मिलेंगे।